हेलो चिल्ड्रेन, आई एम योर टीचर लवली। बच्चों, आज मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ दिस एंड दोज पढ़ाया था। तो पिछले वीडियो में मैंने यूज ऑफ दिस पढ़ाया था, मैंने बताया था आपको दिस मिस क्या होता है। दिस मिस होता है ये सब, जैसे कि हम लोग दिस दिस मिस यह होता है। तो उसी प्रकार से जब पूर्ण नंबर्स होता है, एक से अधिक जो भी वस्तुएँ होती हैं, तो उनको पूर्ण में हम लोग दिस को दिस में चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जांपल के लिए फिर से आपको बताते हैं, देज आर मैंगोज, ये सब आम है। उसी प्रकार से डैट जो होता है, तो डैट का प्रयोग मैंने आपको बताया था, डैट प्रयोग जो होता है वो दूरी के लिए किया जाता है। तो उसको प्लुरल में हम लोग चेंज करें तो डैट का प्लुरल क्या हो जाता है, दोज हो जाता है, THOSE दोज होता है। जब दूरी का बताते हैं, कोई भी वस्तु थोड़ी दूरी पे होती है तो हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं, और वो भी जब एक से ज़्यादा वस्तु होगा वहाँ हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर के साथ आपको इंडिकेट किया गया है, दर्शाया गया है, हम दोज आर कैप्स। दोज मिस होता है वे सब, वे सब कैप्स। कैप्स मिस क्या होता है, कैप मिस होता है टोपी। तो अगर कैप रहता है और एक से ज़्यादा अगर टोपी होगी तो उसको हम लोग कैप्स लिखते हैं, उसमें एस जुड़ जाता है। तो दोज आर कैप्स, वे सब टोपियाँ हैं। दोज आर कार्स, वे सब कार हैं। दोज आर स्टार्स, वे सब तारे हैं। दोज आर कार्ड्स, वे सब पतंग हैं। दोज आर फ्लावर, वे सब फूल हैं। दोज आर हेंस, वे सब मुर्गियाँ हैं। दोज आर कप्स, कप मिस होता है प्याला, तो कप्स मिस हो जाएगा प्याले, वे सब प्याले हैं, या वे प्याले हैं। दोज आर बसेज, वे सब बस है। दोज आर बॉल्स, वे सब गेंद हैं। दोज आर बर्ड्स, वे चिड़िया हैं। दोज आर क्रोच, वे कौवे हैं। दोज आर एंट्स, वे चींटियां हैं। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, मैंने अभी आपको दोज का प्रयोग पढ़ाया, यूज ऑफ दोज पढ़ाया। दोज का प्रयोग जो होता है वो दूरी के लिए होता है, जैसे कि हम लोग दूरी के लिए अगर सिंगुलर नंबर होता है तो दिस का प्रयोग करते हैं, तो दिस का प्लुरल क्या हो जाता है, दोज हो जाता है। तो आप इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे और लिख करके अपने होमवर्क को कम्प्लीट करेंगे। आज मैंने आपको पढ़ाया है, आज का आपका हेडलाइन है यूज ऑफ दोज, दोज का प्रयोग, दोज में होता है वे सब। वे सब का प्रयोग, सबसे पहले हम लोग दोज का मीनिंग जानेंगे, THOSE दोज, दोज मिस होता है वे सब, या इसको वे बोल सकते हैं। आज का आपका होमवर्क है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अभी मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वे सब टोपिया हैं, तो इसका क्या होगा, वे सब का क्या होता है, दोज। अगर एक से ज़्यादा वस्तु रहता है तो दोज के साथ आर का प्रयोग होता है,
और सिंगुलर नंबर रहता है, जैसे दिस एंड डैट जो होता है तो उसके साथ तो सिंगुलर नंबर होता है तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है, और जो दिस एंड दोज के साथ आर का प्रयोग होता है तो दोज आर टोपिया का क्या हो जाएगा, टोपी का होता है कैप और टोपिया का हो जाएगा कैप्स, कैप्स में होता है टोपिया। उसी प्रकार आपको बनाना है वे सब गेंद हैं। वे सब प्याले हैं। वे सब चिटिया हैं। वे सब चिड़िया हैं। वे सब पुस्तकें हैं। बुक मिस होता है पुस्तक और बुक्स मिस पुस्तकें हो जाएगा। वे सब कल में हैं। वे सब बच्चों इसे आप अपने इंग्लिश के नोटबुक में लिखेंगे और लिख करके अपने होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। आज का आपका होमवर्क था यूज ऑफ दोज़।